वेलकम टू कंपटीशन कमिटी। कंपटीशन कमिटी में आप सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है। कंपटीशन कमिटी आपके लिए आया है एक ऐसी सीरीज जिसमें हम मैथ्स के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर व्यापम के किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो या सीजी टेट हो या सहायक शिक्षक भर्ती हो या शिक्षक भर्ती हो, जितने भी एग्जाम में व्यापम में आए हुए प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं ताकि आप जब एग्जाम देने जाए तो इन प्रश्नों के आधार पर इन कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाए तो आप जो आप एग्जाम देने वाले हैं अपकमिंग, जैसे कि आपका सहायक शिक्षक भर्ती है, शिक्षक भर्ती है, सीजी टेट है, इसके अलावा हॉस्टल वार्डन के एग्जाम है, उसमें जितने भी प्रश्न आएंगे उसे आप बना सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के साथ साथ हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को भी हम लोग जानेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आज का टॉपिक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन पिछले सालों में आए हैं उसे हम समझेंगे। उसके पहले हम जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इसके फॉर्मूले को हम समझेंगे, साथ ही साथ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, उसे भी हम जानते हुए चलेंगे। क्योंकि यदि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो आप मान के चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज भी उससे ही जुड़ा हुआ रहता है, या दोनों के दोनों टॉपिक के जो प्रश्न है आपको एक साथ भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को और जानते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। यहां पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि साधारण ब्याज और एक्चुअल में चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस क्या चीज का आता है, किसमें आपको फायदा होता है, किसमें आपको कहीं ना कहीं नुकसान होता है, ये दोनों चीजों को हम समझेंगे। देखिए, यदि मान लीजिए आप किसी बैंक में गए तो बैंक में आप क्या है, कोई ना कोई अमाउंट या पैसा लेकर जाते हैं। जो भी पैसा लेकर जाते हैं उसे हम कहते हैं क्या, प्रिंसिपल, या पी से हम दर्शाते हुए इसे क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। ठीक, मूलधन के अलावा आप क्योंकि बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं किसी के किसी ब्याज के लिए, तो बैंक वाले ने यदि आपको कह दिया कि हम देंगे 5% ईयरली ब्याज देंगे, तो वो 5% या 10% के हिसाब से अगर वो ब्याज दे रहा है तो वही क्या होता है, आपका रेट होता है, जो कहीं ना कहीं 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा बैंक टू बैंक पर। मान लेते हैं हम यहां पर आपको क्या मिल रहा है, 10% वार्षिक ब्याज प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज, जिसे हम आर से शो करते हैं, और यही क्या होता है, दर होता है। इसके अलावा आप बैंक में जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं वो कुछ समय के लिए होगा, तो 3 साल 2 साल 4 साल भी यहां तक आप पैसा जमा कर सकते हैं, वो आप पर निर्भर करेगा, जिसे हम दर्शाएंगे कि इससे टी से, और टी होगा क्या आपका इसमें समय, समय। ठीक है, इसके अलावा अगली एक चीज होगी क्या, कि जब आपने जो पैसा डिपॉजिट किया उसे 3 या 4 साल बाद आप जब निकालने जाएंगे तो पैसे में ब्याज जुड़ेगा, और अगर ब्याज जुड़कर जो पैसा मिलेगा उसे हम कहते हैं क्या, अमाउंट या मिश्रधन। तो आपको एक कॉमन जो वर्डिंग देखने मिलेगा, ए शो किया जाएगा, या ए को ही हम क्या कहेंगे, अमाउंट को ही हिंदी में मिश्रधन कहेंगे, जिसमें मूलधन में ब्याज जुड़कर आपको पैसा मिलेगा। तो ये बेसिक आपकी टर्मोलॉजी है, बेसिक टर्म है, बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है। पी क्या होता है, मूलधन, आर जो होगा दर होगा, ठीक है, दर होगा। इसके अलावा हम अगर बात करें तो आपके पास टी क्या होगा, एक समय होगा, और ए क्या होगा, मिश्र धन होगा। ठीक, तो मान लेते हैं आप बैंक में गए और आपने लगभग 500 रुपए पैसा जमा किया, और जो 500 रुपए पैसा आपने जमा किया वही क्या है, आपका मूलधन है। ठीक है, 500 रुपए पैसा आपने जमा किया, जो बैंक वाले ने कहा कि हम क्या देंगे, 10% क्या देंगे आपको, ईयरली ब्याज देंगे, वो रेट हो गया। इसके अलावा आपने क्या किया, 3 साल का समय लिया, 3 वर्ष के लिए, 3 साल के लिए आपने क्या किया, पैसा जमा किया। तो अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस सिंपल इंटरेस्ट में या साधारण ब्याज में होता क्या है। ठीक, चलिए, अगर मैं फर्स्ट ईयर पहले साल का अगर ब्याज निकालूं, पहले साल के अगर ब्याज की बात करूं, तो हमारा साधारण ब्याज क्या होगा, जो मूलधन है, जो पैसा आपने जमा किया, मूलधन का आपको 10% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, मूलधन का 10% ब्याज मिलेगा, और मूलधन का 10% कितना हो जाएगा आपके पास, यहां पर 50 रुपए हो जाएगा। तो मूलधन का 10% हमने निकाला, कितना रुपए, 50 रुपए, ये क्या हो गया, पहले साल का ब्याज। ठीक, अगले साल की अगर बात करें हम लोग, सेकंड ईयर की बात करें, अगले साल में साधारण ब्याज अगर हम निकालें तो यह उसी मूलधन का, यानी मूलधन में कोई बदलाव नहीं करना है, मूलधन वैसी का वैसी रहेगा, तो 500 का 10% आपको फी लेना है, तो 500 का 10% कितना हो जाएगा भाई,
₹50, यानी अगले साल भी आपको सेम सिंपल इंटरेस्ट या ब्याज आपको मिला, पहले साल में ₹50 और अगले साल में भी ₹50। ठीक, तीसरे ईयर में हम आते हैं, तीसरे ईयर की हम बात करें तो यहां पर साधारण ब्याज आपको मिलेगा 500 का, फिर से आपको 10% ही ब्याज मिलेगा, यानी कि ₹50। पहले साल भी ₹50, दूसरे साल भी ₹50, तीसरे साल भी ₹50। यहां से एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो साधारण ब्याज जो हमें मिलता है वो हर साल हर वर्ष इक्वल ही होता है, ₹50, ₹50, ₹50, हर साल आपको एक प्रकार का ही ब्याज इसमें प्राप्त होता है। यहां पर अगर हम बात करें टोटल एसआई की या सिंपल इंटरेस्ट की या कुल मिलने वाले ब्याज की, तो तीन साल में मिलने वाला ब्याज कितना है, 50, 50, 50, टोटल हो गया कितना, ₹150। ठीक, यहां से चीजें समझ में आई कि आपने जो बैंक में ₹500 जमा किया 10% रेट के हिसाब से, तो तीन साल के बाद जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, ₹150 यहां पर ब्याज मिल जाएगा। क्लियर है कि यहां तक चीजें। इसके अलावा आपको पूछा जाए कि आप बैंक से कितना रुपए वापस लेकर आओगे, यानी कि मिश्रधन की अगर बात की जाए, अमाउंट की बात की जाए, तो अमाउंट में क्या होता है, जो आपका मूलधन होता है उसमें ब्याज को हम जोड़ देते हैं, मूलधन में ब्याज जुड़ता है। और यदि अगर मूलधन में ब्याज जुड़ा तो मूलधन हमारा कितना है, ₹500, टोटल ब्याज कितना हुआ, ₹150, और ₹650 यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, मिश्रधन अमाउंट मिल जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है क्या? ठीक, क्लियर है। तो ये हमने जो कैलकुलेशन किया, एक बेसिक कैलकुलेशन, आपको एक कॉन्सेप्ट हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एसआई और सीआई में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। ये डिफरेंस अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्वेश्चन में जो फर्क होता है, अंतर जो होता है, वो भी समझ में आना चालू हो जाएगा। चलिए, इसी डेटा को लेते हुए हम अब चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी आपका मूलधन हम मान लेते हैं ₹500, रेट मान लेते हैं 10%, समय ले लेते हैं तीन साल, और मिश्रधन हम इसमें भी निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, पहले साल की बात करूं, तो पहले साल के लिए हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वह होगा ₹500 का 10%, और ₹500 का 10% कितना रुपए हो जाएगा आपके पास, ₹50। ठीक, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आप समझिए कि जो पहले साल का साधारण ब्याज होता है, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों एक समान ही होता है, पहले साल में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब अगले साल को देखते हैं, सेकंड ईयर, दूसरे साल में अगर हम बढ़े, दूसरे साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर निकालने बढ़े, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा, अब अगर मैं बात करूं तो आपके मूलधन में एक परिवर्तन आने वाला है। यहां पर मूलधन आपका या प्रिंसिपल जो था, पी जो था, वो आपका सेम था, यहां पर ₹500, ₹500, ₹500, यहां पर बदलाव यह होने वाला है कि मूलधन में जो पहले साल का जो ब्याज था वह जुड़ जाएगा, यानी मूलधन कितना था आपका, ₹500 था, इस ₹500 में ₹50 जो है जुड़ जाएगा, मतलब ₹550 यहां मूलधन बन जाएगा। क्लियर है क्या? यही बदलाव होने वाला है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ₹500 का हमको कितना निकालना पड़ेगा, फिर से आप 10% निकालेंगे और बोलेंगे सर अब जो ब्याज बना है वह कितना बना है, ₹55, यानी दूसरे साल से चक्रवृद्धि ब्याज में एक परिवर्तन दिखने मिल गया, क्योंकि यहां पर तो ₹85 था, वहां पर हमें कितना मिल गया, ₹55 मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे साल की तरफ अगर हम आगे बढ़े, थर्ड ईयर में चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम निकालें, तो अब क्या परिवर्तन होने वाला है उसे ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब फिर से आपका मूलधन जो है बदल जाएगा। पिछले बार वाला जो हमारा मूलधन था वो कितना था, 550 था, इसी 550 में ₹55 आपको जोड़ देना है, 550 में ₹55 जोड़ देना है। पहले मैं यहां पर तीसरे साल के लिए आपको मूलधन बता देता हूं, यहां पर क्या हो रहा है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज देखिएगा। ठीक, तीसरे साल के लिए अगर मूलधन की हम बात करें तो वह क्या हो जाएगा, जो आपका पिछले साल का मूलधन था उसमें आपका ब्याज जुड़ता चला जाएगा और एक नया मूलधन यहां पर बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 5, 5, 10 और 1, 6, 605 रुपए, और रेट आपका वैसा का वैसा ही रहेगा, रेट में कोई बदलाव नहीं है, रेट वैसा का वैसा ही चल रहा है। तीसरे साल के लिए अब हम निकालते हैं
चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा आपका 605 रुपए का 10%, 605 रुपए का 10% यानी 60.5 रुपीस, 60.5 रुपए। अब यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर कुल टोटल ब्याज की अगर मैं बात करूं तो टोटल ब्याज हमारे पास कितना है देखिए, ठीक है, कुल चक्रवृद्धि ब्याज की अगर मैं बात करूं, कुल चक्रवृद्धि ब्याज, तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास कितना आ रहा है, 50 प्लस 55 प्लस 60.5। यहां पर इसे जोड़ लेते हैं, ठीक है, ऐड करने पर हमें कितना मिलेगा, ये 0.5 को एज इट इज ले लेते हैं, उसके बाद 5 6 5 11 5 16, 165.5 रुपए, 165.5 रुपए आपको यहां पर क्या मिला, टोटल ब्याज मिला। अब यहां पर आप देखकर बताइए, पहले आपको यहां पर मिला था 150 रुपए साधारण ब्याज में, और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना मिल रहा है, 165.5 रुपए। आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको 15.05 रुपए का यहां पर क्या है, यहां पर 50 पैसे का यहां पर क्या हुआ, आपको फायदा हुआ, 15 रुपए का लगभग आपको दिख रहा है, एक 150 रुपए है और यहां पर क्या है 165 रुपए, लगभग 15 रुपए का आपको एक फायदा नजर आ रहा है। ठीक, यहां से चीजें समझ में आती है कि चक्रवृद्धि ब्याज में कहीं ना कहीं फायदा होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज को हम कहते हैं रेट पर रेट या दर पर दर मिलने वाली ब्याज। क्लियर है, ठीक। यहीं पर अगर हम निकाल ले यहां पर क्या मिश्रधन की बात कर ले, तो मिश्रधन में जैसे मैंने अभी आपको बताया अमाउंट क्या होता है हमारा, मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाता है, तो मूलधन हमारा कितना था भाई, मूलधन तो वही था 500 रुपए, 500 रुपए में जो ब्याज बना 165.5, इसे हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास 665.5 रुपए। तो यहां पर 650 रुपए था, वहां पर 665.5 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। इतना पॉइंट क्लियर है, तो ये मैंने आपको क्या बताया कि एक बेसिक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है। इसके बाद मैं दोनों के फॉर्मूले बता दूंगा जिससे आप डायरेक्ट यहां पर उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक है, आपको सभी चीजें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताई जा रही है, कहीं पर भी डाउट होगा बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, अब अगर हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले की अगर बात कर लें, तो फॉर्मूला किस टाइप का है, ठीक है, साधारण ब्याज, जब भी अगर आपको साधारण ब्याज निकालना होगा तो आपको लेना है मूलधन, मूलधन गुणा रेट इंटू टाइम बाई 100, यह हो गया आपका क्या साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के अलावा हमारे पास क्या है, यहां पर हमें मिश्रधन भी निकालना होता है, मिश्रधन, और मिश्रधन के लिए मैंने आपको बताया है अमाउंट के बारे में कि अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल या जो आपका मूलधन होता है, मूलधन में साधारण ब्याज जुड़ जाता है। यदि मूलधन में साधारण ब्याज अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। यदि इसमें अगर आप पी कॉमन निकाल लेते हैं तो पी कॉमन निकालने के पास क्या बचता है आपके पास, R इंटू टी बाई 100। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो P 100 प्लस आर टी बाई 100। क्लियर है क्या, ठीक। तो कभी भी अगर आपको अमाउंट डायरेक्ट निकालना हो तो आप इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। क्लियर है, P हो जाएगा मूलधन, R हो जाएगा रेट, T हो जाएगा टाइम। क्लियर, तो ये हो गया मिश्रधन के लिए फॉर्मूला और ये हो गया साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला। यही अगर चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज में, तो चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप प्रयास ये करना कि सबसे पहले आप मिश्रधन ही निकाल लेना, मिश्रधन, क्योंकि आपके लिए ईजी पड़ेगा। तो अमाउंट या मिश्रधन की अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए या चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्रधन कैसे निकलेगा, तो वह निकलेगा पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर में एन। ठीक है, पी हो गया हमारे यहां पर क्या मूलधन, आर हो गया यहां पर रेट, और एन शो कर रहे कितने बार ये चीजें होंगी। ठीक, तो ये हो गया। इसके अलावा यहां पर अगर मैं बात करूं चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करूं तो आपको पता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन में जो ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ जाता है।
कोई दिक्कत नहीं। तो हमें अगर सीआई निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, ए माइनस पी हो जाएगा। और ए की वैल्यू हमें पता है क्या, पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड पावर में एन माइनस पी। क्लियर है? ठीक, इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा, पी को कॉमन निकाल लिया जाता है कई बार और फॉर्मूला आपका बन जाता है वन प्लस आर बाई हंड्रेड पावर में एन माइनस वन। क्लियर है यहां तक चीजें? तो ये क्या हो गया आपका सीआई के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले आप ट्राई कीजिए कि अमाउंट निकाल लेना चक्रवृद्धि ब्याज में, अमाउंट के थ्रू अगर आप सीआई की तरफ जाते हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी, कहीं पर भी डाउट है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए आप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, साधारण ब्याज के क्वेश्चन को आज की क्लास में देखेंगे, फिर देन नेक्स्ट हम चक्रवृद्धि ब्याज की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो साधारण ब्याज पर आधारित है, और साधारण ब्याज पर आधारित पहला क्वेश्चन हमारे पास, जिसमें पूछा गया है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाती है। ध्यान रखिएगा यहां पर क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया गया है, उसे आप सबसे पहले देख लीजिए। तो पहला चीज आपको दिख रहा है कि यहां पर समय दिया गया है 5 साल का और 7 साल का। अब 5 साल में 520 रुपए और 7 साल में 568 रुपए, ये क्या दिया हुआ है? तो ये दिया गया है मिश्रधन। याद रखिएगा मिश्रधन को कभी भी एग्जामिनर या जो क्वेश्चन रहता है वहां पर प्रॉपर लिख कर नहीं दिया जाएगा, आपको समझना होगा कि दिया गया जो डेटा है वह क्या है, मिश्रधन है। ठीक है, समझने का तरीका क्या कि 520 रुपए हो जाएगी या कोई राशि बन जाएगी, या 568 रुपए कोई राशि बन जाएगी, तो बनेगी क्या, वह मिश्रधन ही बनेगी। तो हम मान लेते हैं यह मिश्रधन आपका A1 है और यह मिश्रधन आपका A2 है। क्लियर है? ठीक, तो अगर हम लोग यहां पर मिश्रधन की बात करें तो 7 साल का जो मिश्रधन है और 5 साल का जो मिश्रधन है उसे अगर हम घटाएंगे तो हमें दो वर्षों का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। क्लियर है? जब आप 2 साल के, यानी कि बोलना चाहिए 7 साल के और 5 साल के मिश्रधन को जब आप घटाते हैं तो आपको 2 साल का यहां पर साधारण ब्याज प्राप्त होगा, क्योंकि 5वें वर्ष के बाद जो साधारण ब्याज जुड़ा है उसे जुड़ने के बाद ही क्या बना है, अगला मिश्रधन बना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 7 साल के मिश्रधन की तो 7 साल का मिश्रधन कितना है हमारे पास, 568 रुपए। वहीं अगर बात करें 5 साल का मिश्रधन हमारे पास कितना है, 520 रुपए। ठीक है, तो यहां से ऐसा ही कितने साल का, हम 2 साल का निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर इसे जब हम माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 48 रुपए, और 48 रुपए बराबर SI इंटू 2। तो SI का मान यानी 1 साल का साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको 2 साल का मिला है तो 2 साल का साधारण ब्याज 48 रुपए, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 48/2 हो जाएगा, मतलब 24 रुपए। क्लियर है? तो ये 24 रुपए जो मिला है या कितने साल का मिला है आपको, 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपको मिल गया। डन। अब हमें क्या निकालना है यहां पर, धनराशि यानी कि मूलधन निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, हमारे पास अगर अमाउंट देखें तो 5 साल का दिया हुआ है, तो 5 साल का मिश्रधन और 5 साल का ही आपको क्या लेना पड़ेगा, साधारण ब्याज लेना पड़ेगा। 5 साल का मिश्रधन और 5 साल का साधारण ब्याज आप ले लेंगे, तो 5 साल का मिश्रधन हमारे पास कितना है बताइए, तो सर यहां पर दिया हुआ है कितना, 520 रुपए। वही प्रिंसिपल की अगर बात करें तो इसे हमको निकालना है, ऐसा ही आपको 1 साल का पता है कितना रुपए, 24 रुपए, 5 साल के लिए क्या कर देंगे, 5 गुणा कर देंगे। क्लियर है यहां तक चीजें? तो 520 बराबर प्रिंसिपल प्लस 24 × 5 कितना हो जाएगा, 120, और पी का वैल्यू मिल जाएगा आपको 520 माइनस 120 बराबर 400 रुपए। तो यह वह धनराशि निकल गई जो आपकी मूलधन है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 400 रुपए। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप समझ के मान के चलिए कि अगर 2023 में अगर इस प्रकार के बैंक के, अपेक्स बैंक के परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है तो आगामी जो व्यापम परीक्षा लेगा वो इस पैटर्न के क्वेश्चन और भी बना सकता है। डेटा बस आपका इधर उधर हो सकता है, बाकी पैटर्न आपको यही मिलेगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक बार रिवाइंड कर लीजिए, समझ नहीं आया तो एक बार देखिए और फिर से बनाने का प्रयास कीजिए।
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी मूलधन पर यदि दो वर्षों का साधारण ब्याज 4800 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास कितना है 5088 रुपए, तो बताइए ब्याज की दर कितनी है। क्लियर, तो दो साल का आपको साधारण ब्याज और दो साल का आपको क्या दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, आपको रेट पूछा गया है। रेट क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल विद इन अ सेकंड, यानी बोलना चाहिए आपको 30 सेकंड में या एक मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, देखिए आपको जैसे कि मैंने बताया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसमें अंतर क्या है। साधारण ब्याज जो होता है वह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि समान होता है हर साल का साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ब्याज पर ब्याज होता है। डन, अगर दो साल के साधारण ब्याज की अगर बात करें तो हमें कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है 4800 रुपए दिया हुआ है। वहीं अगर हम बात करें दो साल के चक्रवृद्धि ब्याज की तो वह कितना दिया हुआ है, 5088 रुपए दिया हुआ है। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक, अब अगर ये दो साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज, तो आपको पता है कि 4800 रुपए क्या होगा, समान रूप से बढ़ जाएगा। तो समान रूप से बटेगा तो आप बोलेंगे सर पहले साल का 2400 रुपए होना चाहिए और दूसरे साल भी क्या होना चाहिए, 2400 रुपए होना चाहिए, क्योंकि हर साल एक बड़ी यहां पर यह बटेगा। ठीक, जैसे कि मैंने कि आपको बताया था कॉन्सेप्ट में कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। तो बताइए यहां पर भी कितना हो जाएगा, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा, 2400 रुपए हो जाएगा, 2400 रुपए हो जाएगा। 2400 रुपए के बाद आपके पास जो शेष राशि बची है वह दूसरे साल का क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो यहां पर आप क्या करेंगे, 5088 में से 2400 को घटा दीजिए, कितना मिलेगा आपको, 8 और ये 8, 6 और यहां पर कितना मिल जाएगा, 2। क्लियर है क्या यहां तक चीजें, इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, यहां पर कितना किया हम लोग, 5088 में से हमने क्या किया, 2400 को घटाया, 88 यहां पे ये मिला और ये कितना हो गया आपके पास, 2688। यानी दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना मिला, 2688 यहां पर मिला। ठीक, यदि अगर हम यहां पर इसी सिंपल इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर हम देखें तो हमें यहां पर जो अंतर मिलेगा वह मिलेगा 288 रुपए, 288 रुपए। ठीक, अगर ये 288 रुपए की बात करें, यही तो क्या है दोनों में अंतर है, यही तो क्या है दोनों के ब्याज में अंतर है, और दोनों के ब्याज में जो अंतर है वह किस पर निकलेगा आपका, 2400 रुपए पर निकलेगा। क्योंकि यहां पर अगर 2688 को देखें तो कैसे बना है, 2400 तो था बट 2400 में जो एक्स्ट्रा आपको जो राशि मिली वह कितनी मिली, 288। यही 288 रुपए क्या होगा, रेट होगा, दर होगा, यही तो क्या है, रेट है या दर है। क्लियर है, यही ब्याज है। तो 288 रुपए की अगर ब्याज बात करें तो 288 रुपए जो बना वह किस पर बना, 2400 रुपए पर ब्याज बना। तो 288 बटा क्या कर देंगे, 2400 इंटू 100, बस इतना काम आपको करना है। क्लियर है, ये जीरो जीरो कैंसल, आपको मिलेगा 24 से कम 24 और 24 दुनिया 48। क्लियर है, 12% रेट आपको मिल जाए, इतना ही काम बस करना था। क्लियर है, जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपको बस इतना ही काम करना होगा, इक्वली यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड किए, इधर भी आपको 2400 लेना है, एक्स्ट्रा जो राशि 288 आएगी उसको आपको 2400 को बेस मानकर यहां पर रेट या दर निकाल लेना है, इतना ही बस कॉन्सेप्ट आपको लगाना था। ठीक, तो आपको रेट या दर मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाती है, यदि ब्याज की दर को 4% बढ़ाया जाए तो 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में मिसधन क्या होगा, यह पूछा है। ठीक, तो पहले वाले लाइन को आप ध्यान से देखिए, पहले वाले लाइन को ध्यान से देखिए, तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, 800 रुपए दिया है, साधारण ब्याज दिया हुआ है और इसमें 3 वर्ष टाइम दिया हुआ है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया टाइम, और साथ ही साथ 956 रुपए क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया है। तो पहले लाइन के अकॉर्डिंग हमें यहां पर रेट निकालना पड़ेगा, दर, क्योंकि हमें वह दर नहीं पता जिसमें 4% बढ़ाना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर दर निकालेंगे। तो हमारे पास अमाउंट का, हमारे पास एक फॉर्मूला है, अमाउंट बराबर क्या होता है, ए बराबर पी 100 प्लस आर टी अपॉन 100।
क्लियर है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। जो जो डेटा हमारे पास पहले लाइन में था उसे वैसा का वैसा रख लेते हैं। तो हमारे पास अमाउंट कितना है यहां पर 956 है, इसके अलावा ये हुआ 800, क्लियर है पी, इसके अलावा ये हुआ 100 प्लस आर की वैल्यू हमें निकालनी है, टी की वैल्यू हमें क्या है यहां से पता है कितना है भाई, टी का वैल्यू 3 है, क्लियर है, बटा क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए ये 100 ये 0 से कट जाएगा, इसके बाद आपको मिलेगा क्या 956/8, क्लियर है। तो यहां पर आपके पास क्या बचा 100 + 3 R, ठीक है। अब इसे थोड़ा 100 को इस तरफ ट्रांसफर करें तो आपको क्या मिलता है देखिए ध्यान से, तो 956/8 - 100 = 3 R, क्लियर है, ठीक। 956 माइनस ये करेंगे एलसीएम मिलेगा आपको कितना, 8 ही एलसीएम मिल जाएगा, और ऊपर आपको मिलेगा 956 - 800, जब आप इसे घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, ये 156/8, यहां तक चीजें क्लियर है, बराबर 3 R, इतनी चीजें यहां तक क्लियर हो गई उनकी। अब R का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो 156/8 1/3, ठीक, 3 से इसको कैंसिल करते हैं, 3 5 2, और यहां से इसको कैंसिल करेंगे कितने बार में जाएगा ये 8 6 बार में, और 8 5 बार में, 6.5 में कट जाएगा, और रेट कितना मिल जाएगा आपको 6.5%, 6.5% का रेट आपको मिल गया। अब इस लाइन के बाद अगले लाइन में आपको आना है, बोलता है यदि ब्याज की दर को 4% बढ़ा दिया जाए, इसी ब्याज की दर को 4% बढ़ा दिया जाए, ठीक है 4% बढ़ा दिया जाए, तो 4% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा रेट, नया रेट कितना मिल जाएगा आपको 10.5%, एक नया रेट आपको मिल जाएगा, और इसी आधार पर 800 रुपए की राशि का 3 वर्ष के लिए हमको मिश्र धन निकालना है। तो फिर से आप मिश्र धन का फॉर्मूला लिख लीजिए, मिश्र धन का फॉर्मूला कितना है हमारे पास, ए पी 100 + RT/100, इसी फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद रखिएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मिश्र धन निकाल लेते हैं, ए पी कितना है हमारे पास 800 ही है, ठीक, इसके अलावा 100 100 ही रहेगा, आर की वैल्यू हमने निकाली कितनी हो गई 10.5 हो गई, 10.5 इंटू 3 साल के लिए बोला तो 3 को यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन यहां पर 100, क्लियर है, ये 100 या 800 यहां पर कैंसल, ठीक। तो ए का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 800 + कितना हो जाएगा यहां पर 31.5, ठीक 31.5, और फाइनल आपको यहां पर मिलेगा कितना, ए बराबर 8 × 131.5, ए मिश्र धन का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 8 × 45, ये पॉइंट हो गया 0 12 1 25 और 10, 1052 रुपए, 1052 रुपए ये आ जाएगा आपका मिश्र धन। तो यहां पर मिश्र धन कितना आएगा, जब आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो आपको मिश्र धन मिलेगा 1052 रुपए, क्लियर है। तो क्वेश्चन जो है आपका, जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये जस्ट आपके 2023 में जितने भी व्यापम पेपर हुए और उसमें जितने साधारण ब्याज के क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, और वैसे ही क्वेश्चन आप मान के चलिए पूछे जाएंगे, मैं ये चीज बार बार आपको बता रहा हूं, ठीक। जितने भी छात्र जुड़े हैं कहीं पर भी डाउट भी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल दिखने वाला क्वेश्चन, और स्टूडेंट जो है इसमें 100% गलती करेंगे ही करेंगे, ठीक है। मैं यहां पर अगर इसको इंपॉर्टेंट लगा दूं और अच्छा एक क्वेश्चन अगर बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए अब इसमें बोला क्या है, यहां पर दिया गया है किस मूलधन का, मूलधन यानी कि आपको पी के बारे में पूछा है, किस मूलधन का साधारण ब्याज रेट दिया हुआ है 6 1/4%, इसके अलावा साधारण ब्याज की दर से 1 रुपए का प्रतिदिन यहां पर क्या मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है 1 रुपए आपको पर डे का ब्याज मिलता है, पर डे का, यहां पर देखिए क्या बोला है, पर डे प्रतिदिन, इस वर्ड को ध्यान देना है प्रतिदिन, ठीक है, एवरी डे की बात कर दिया है, हर एक दिन की बात की, ठीक, प्रतिदिन होगा यदि वह वर्ष लीप ईयर ना हो, क्लियर है। तो जो जो डेटा दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं, तो सबसे पहले हमें एक रेट दिया हुआ है 61.4% 1/4% ईयरली, और ईयरली के हिसाब से कितना हो जाएगा ये 25 बटा
4% हो जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है। उसके बाद बोला है कि यदि यहां पर क्या है पर डे, यानी अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम क्या होगा, एक दिन की बात किया गया, एक दिन की, तो हम अगर इसे साल में बदले तो साल के हिसाब से बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 365 से भाग देना होगा। इसको साल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 365 से भाग देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/365, क्योंकि लीप ईयर नहीं बोला है, लीप ईयर नहीं होना चाहिए। तो यदि वर्ष लीप ईयर ना हो बोला है तो कितना लेना पड़ेगा हमें, 365 लेना पड़ेगा, एक साल में 365 डेज। डन। तो टी का वैल्यू कितना हो गया 1/365। बस इतना ही कॉन्सेप्ट समझना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए साथ ही साथ आप याद रखिएगा, आपको ब्याज भी दिया है कितना, एक रुपए का ब्याज भी हमारे पास यहां पर बन रहा है। ठीक, इसके हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला कितना है हमारे पास, P × R × T/100। अब जो जो डेटा हमारे पास उसे रख लेते हैं, ऐसा ही हमारे पास एक रुपए है, पी का वैल्यू हमें नहीं पता है उसी को निकालना है, आर का वैल्यू हमारे पास कितना है 25/4 है उसको वैसे ही रख लेते हैं, इंटू 100 नीचे रहेगा, इंटू क्या करेंगे टी का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 1/365 दिया गया है। ठीक है, तो पी का मान क्या होगा, तो पी बराबर हम लिखेंगे 4 × 100 × 365/25। क्लियर है यहां तक? ठीक, 25 से इसको काट लेते हैं, 4 बार में कैंसिल हो गया, यहां पर होगा 16 × 365। ठीक है, अब इसे गुणा कर लेते हैं तो P या मूलधन कितना आ जाएगा, वो हो गया 16 × 5 = 80, तो 08, 16 × 6 = 96, 8 कितना हो जाएगा 4 = 104, 10 × 16 = 48, 10 कितना हो गया 58, 5840 रुपए यह क्या आ गया मूलधन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, चांसेस है कि ऐसे ही भले इजी क्वेश्चन दिखे बट कंफ्यूज करने वाले या गलत होने वाले आंसर आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है, आप इस टाइप के क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा एक रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज बना, इसलिए हमने क्या किया था टाइम को 1/365 किया है, यह पॉइंट को ध्यान रखने का। यह एग्जाम में आपके सहायक संचालक की जो भर्ती हुई थी उसमें पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ था उसी साल जब महिला परीक्षा का पेपर हुआ था, तो उसमें ऐसा ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन क्या कर दिया गया, रिपीट भी कर दिया गया था। क्लियर है? तो आपको जैसे मैंने बताया है कि व्यापम की परीक्षा में चांसेस है कि क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, इसीलिए हम विशेष रूप से आपको बोल रहे हैं कि व्यापम की पिछले साल के प्रश्नों को अगर आप हल कर लेते हैं तो बहुत हद तक 80 से 90% तक आप एग्जाम के हर क्वेश्चन को बना सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो बनेंगे या छूटेंगे उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए था जिसका 4% हिस्सा और 5% हिस्सा क्या किया गया, उसने उधार पर दे दिया। यदि एक वर्ष में टाइम दिया गया एक वर्ष में कुल ब्याज, टोटल ब्याज 700 रुपए था, तो 4% के हिसाब से उधार दी गई राशि कितनी थी, यह पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, व्यक्ति के पास कितना रुपए था भाई, व्यक्ति के पास 16,000 रुपए था। व्यक्ति ने क्या किया, दो लोगों को उसने उधारी दिया, एक को उधारी दिया उसने 4% के हिसाब से और एक को उधारी दिया उसने 5% के हिसाब से, बट कितना रुपए उधारी दिया वह नहीं बताया, क्योंकि वही क्वेश्चन है कि 4% के हिसाब से कितना उधारी दिया, 5% की कितना उधारी दिया। डन। ठीक, अब यहां पर मैं मान लेता हूं कि 4% के हिसाब से व्यक्ति ने एक्स रुपए उधार दिया होगा, कितना रुपए, एक्स रुपए उसने उधार दिया होगा, तो शेष राशि जो बची हुई राशि, वो 5% के हिसाब से देगा। अगर 16,000 में एक्स राशि उसने दे दिया तो बची हुई राशि क्या हो जाएगी, तो बची हुई राशि बोलेंगे सर ये बची हुई राशि 16,000 में से जो राशि थी उसे घटा देते हैं, तो शेष राशि हमें क्या मिल जाएगी, 16,000 माइनस एक्स रुपए मिल जाएगी। एक्स रुपए 4% के हिसाब से और 16,000 माइनस एक्स राशि जो है 5% के हिसाब से उसने क्या कर दिया, उधारी दे दिया। ठीक, अब जो उधारी दी गई वो कितने टाइम के लिए दी गई, तो ये यहां पर दिया हुआ है यदि एक साल, तो टाइम कितना लेना है आपको, एक साल, और एक साल में टोटल ब्याज कितना बना हमारे पास 700 रुपए। अब जो चीज बोला है जैसा ऐसा वैसा ही हम लोग ले लेते हैं। ठीक है,
पहला जो है, पहला जो ब्याज है वह 4% के हिसाब से है, 4% वाला ब्याज हमारा, 5% वाला ब्याज बराबर टोटल ब्याज हमारे पास कितना है, 700 रुपए। 4% और 5% के हिसाब से हमें टोटल ब्याज कितना बना, 700 रुपए। बस चलिए डेटा रखते हैं, ऐसा ही बराबर हमको पता है पीआरटी बटा 100। अब फॉर्मूला मैं नहीं लिखने वाला हूं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आपको फॉर्मूला याद हो चुका है, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आएगा फॉर्मूला एक बार शुरुआत में देख लीजिएगा वीडियो को रिवर्स करके, वहां पर मैंने फॉर्मूला बताया, ठीक। तो बताइए मूलधन क्या है हमारे पास, मूलधन है एक्स है, ठीक। कितने परसेंट रेट में दे रहे हैं, 4% रेट में। कितने टाइम के लिए दे रहे हैं, 1 साल के लिए, बटा क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। प्लस ऐसा जो 5% के लिए हिसाब से आपका मूलधन कितना हो जाएगा, 16,000 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो गया आपका मूलधन। कितने टाइम रेट के लिए, 5% रेट के लिए, कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए, बटा 100। टोटल ब्याज कितना बन रहा है हमारे पास, 700। क्लियर है यहां तक चीजें। अब अगला काम क्या कीजिए आप, सॉल्व करने से पहले, सॉल्व करने से पहले इस टाइप की जब इक्वेशन बनते तो पहला काम क्या कीजिए आप, जो कॉमन दिख रहा है उसे निकाल लीजिए। तो यहां पर 100 100 यहां पर हमारे पास कॉमन है, तो मैं क्या किया उसे बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या आपके पास, 4 × x 4x यहां पर बचा। प्लस इस 5 को इसमें गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 16 × 5 = 80,000 हो जाएगा, क्लियर है। माइनस 5 × x करेंगे कितना हो जाएगा, -5x मिल जाएगा। इतनी चीजें जहां तक आपको समझ में आ रही होंगी, सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया। 1/100 इसको कॉमन निकाले। अब ये 100 क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा इसमें हो जाएगा 700 में। तो आपके पास कितना बचा, 4x - 5x बचा, ठीक है। तो 4x - 5x ब्रैकेट के अंदर है, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपके पास, -x प्लस 80,000 और ये 100 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 70,000। डन, 70,000 को इधर ला लेते हैं और माइनस एक्स को उधर ले जाते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। तो एक्स बराबर आपको मिल जाएगा 80,000 माइनस 70,000 और एक्स का आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगा 10,000 रुपए। और आपको पूछा क्या है, है ना, आपको जो पूछा यही है ना, ये 4% के हिसाब से कितना उसने दिया, तो एक्स का मान हमको मिल गया कितना, 10,000 रुपए। यदि आपको पूछे 5% के हिसाब से तो आप बोलेंगे सर हम करेंगे क्या, 16,000 में इसी 10,000 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और माइनस करने पर मिली हुई राशि मतलब कि 6,000 रुपए की जो राशि है वो क्या हो जाएगी, दूसरी राशि जो 5% के हिसाब से क्या की गई, उधार में दी गई। क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न पूछने के चांसेस हैं, ठीक है। कई बार साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों मिक्स आते हैं और कई बार सेपरेट रूप से साधारण ब्याज के प्रश्न आते हैं, ठीक है। और आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए, लाभ हानि हो, परसेंटेज हो, और ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यहां से एक एक प्रश्न आपको देखने मिले ही मिले हैं। चाहे आपके 10 प्रश्न आए मैथ्स के, चाहे 20 आए, चाहे 30 आए, उसमें इनका वेटेज रहेगा ही रहेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्लियर है। ध्यान से देखिए क्या बोला है, 16 वर्ष में कोई धनराशि डबल हो जाएगी। देखिए सबसे पहले यहां पर आपको रेट के बारे में पूछा है, दर के बारे में यहां पर क्वेश्चन मार्क है, आपको रेट के बारे में कहीं पर डेटा नहीं दिया गया। इसके अलावा मैं बात करूं तो जो दिया गया है उसमें मुझे टाइम बस दिया है, टाइम बोला है 16 वर्ष, टाइम बस दिया गया है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि मूलधन जो है या जो प्रिंसिपल है वो हमारा क्या है, पी है, मूलधन क्या है, पी है। तो आपको वहां पर क्या लिखा है कि भाई कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि यानी मूलधन डबल हो जाएगा, मूलधन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो मूलधन डबल होकर क्या बनेगा, बोलेंगे सर ये मिश्रधन बन जाएगा, और मिश्रधन यानी कि अमाउंट, और अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास, डबल, यानी पी का डबल क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। इतने पॉइंट क्लियर। अब जो हमको फॉर्मूला पता है वही फॉर्मूला लगाते हैं और रेट को निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए, तो मैंने आपको बताया है अमाउंट बराबर पी 100 प्लस RT बाई 100, ठीक है। इसमें डायरेक्ट हम लोग मिश्रधन को निकालते हैं, मिश्रधन जैसे हमें A की वैल्यू पता है कितनी है, 2p, मूलधन हमने माना था P, तो P वैसा ही रहेगा। 100 प्लस R की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है सर। T की वैल्यू पता है, पता है, तो 16 कर देंगे,
ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा, ये पीपी को कैंसिल कर दीजिए, ये 2 बराबर क्या मिल जाएगा आपको 100 प्लस 16R बाई 100, ठीक है 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 200 बराबर 16 प्लस 100 प्लस 16R बराबर कितना होगा 100, ठीक है 200 माइनस 100 100 और R की वैल्यू आ जाएगी कितनी 100/16, ठीक है ये हो गया आपका आंसर। इसको आप दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, R बराबर 100/16 को अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा आपके पास 25/4%, या आप बोलेंगे सर इसे अगर ऑप्शन में इस टाइप से भी दिया रहेगा तो वो भी करेक्ट है 6/1/4%। तो ये आपको मिश्रित भिन्न में बदलने आना चाहिए, क्लियर है। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन का शॉर्टकट भी बट सजेशन ये दूंगा कि आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ कर रखिए, क्योंकि ऐसा ही हूबहू क्वेश्चन आप जब चक्रवृद्धि ब्याज में लेते हैं तो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज में कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, यहां पर कॉन्सेप्ट अलग है वहां पर कॉन्सेप्ट अलग है, और बच्चे गलती ये करते हैं कि यहां का ठीक चक्रवृद्धि ब्याज में लगा देते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज का ठीक कई बार इसमें लगा देते हैं, ये मेरा अनुभव रहा है, ठीक है इसीलिए आपको बता रहा हूं। जहां पर मैं आपको बोलूं कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए वहां बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, हर जगह ठीक कई बार काम नहीं आता, ठीक है चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कितने वर्षों में धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी। यहां पिछले वाले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है, यहां पर क्या किया गया है आपको टाइम में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, पिछले वाले क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ था, इस बार टाइम में क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा अगर बात करें तो रेट आपको दिया हुआ कितना 25% का रेट दे दिया गया है, इसके अलावा आपको साधारण ब्याज की दर पर क्या बोल रहा है तिगुनी हो जाएगी, ये तीन गुनी जो बोल रहा है वो क्या है प्रिंसिपल का 3 times मतलब अमाउंट के बारे में दिया गया है। तो पिछला क्वेश्चन जैसे बनाए थे वैसे ही आप बना लीजिए, मूलधन को क्या मान लीजिए आप पी मान लीजिए, अमाउंट कितना हो रहा है भाई अमाउंट या मिश्रधन कितना बन रहा है 3 times हो जा रहा है पी का, ठीक है तो अमाउंट का हमें फॉर्मूला पता है, अमाउंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा पी 100 प्लस आर इंटू टी बाई 100। फॉर्मूला मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें थोड़ी याद भी हो जाए। ए का वैल्यू रख लेते हैं, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 3, पी हो गया ये 100 प्लस आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25 इंटू टाइम टी बाई 100, क्लियर है ठीक। यहां पर ये पी ए पी कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है ये 100 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, यहां आपके पास बचा 100 प्लस 25t, क्लियर है 300 माइनस 100 कितना हुआ आपके पास 200 और 25t, और t का फाइनल वैल्यू मिल जाएगा आपको 200/25 यानी 8 वर्ष, क्लियर है क्या, ठीक है। तो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां पे बदला गया और बदल कर यहां पर क्या लाया गया आंसर दे दिया गया, ठीक है आंसर यहां पर यानी टी की वैल्यू पूछ ली गई, पिछले वाले में आर पूछा था इसमें टी पूछ लिया गया, क्लियर है यहां तक। किसी को डाउट हो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में यहां पर जो भी आप पे डाउट हो पूछ सकते हैं, आपको जो भी तैयारी करवाई जा रही है जैसे कि मैंने बताया था पिछले प्रश्न जितने भी प्रश्न पत्र है वहीं से क्वेश्चन के कलेक्शन आपके सामने रखे गए हैं और सॉल्व करने का तरीका बताया गया, जैसे कि ये सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था 2022 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था वहां पर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी है और साधारण ब्याज भी है, तो मैंने आपको बताया है कई बार क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन और साधारण ब्याज के क्वेश्चन मिक्स आएंगे, ठीक है क्वेश्चन सिंपल रहते हैं बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। सबसे पहले आपको फॉर्मूला जो है ध्यान में रहना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले के बेस पर ही आप क्वेश्चन सॉल्व करें। अभी जब आप इनिशियल स्टेज में है या पहली बार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप फॉर्मूला याद करें उसके बाद ट्रिक अप्लाई करें। चलिए अब देखिए क्या बोलता है भाई, किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए हो जाता है, 832 रुपए है तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको 832 रुपए दे दिया है। उसके बाद बोलता है उसी धन का उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालिए, ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले जो जो गिवन डेटा दिया हुआ है इस लाइन के पहले उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ठीक। तो हमारे चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से हमें 8% रेट दिया हुआ है, इसके अलावा हमें क्या दिया है टाइम दे दिया है, टाइम बराबर 2 साल दे दिया गया है, 2 वर्ष दे दिया गया है हमें,
इसके अलावा हमें क्या दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। सीआई बराबर कितना दिया है, 832 रुपए दे दिया गया। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि सीआई के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पी 1+R/100 एन, एन यानी कि जो टाइम है उसे रख लेंगे, -1। ठीक है, बिल्कुल यही डेटा का यूज कर लेते हैं, सीआई की वैल्यू रख लेते हैं 832। पी की वैल्यू हमें नहीं पता, पी की वैल्यू निकालनी है, यहां पे रखेंगे 1+R कितना है हमारे पास, 8 है, 8 बटा कितना हो जाएगा 100। यहां कितना है, एन की जगह कितना रखेंगे हम, 2 रखेंगे, -1। ठीक है, क्लियर है, 832 बराबर पी, यहां पर कितना हो जाएगा ये 108/100 स्क्वायर -1। इस नंबर को यहीं पर ही सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा आपका, 4 2 बार में, 4 7 बार में, और ये 4 25 बार में। ठीक है, तो यहां कितना मिल जाएगा आपको, 832 बराबर पी, ठीक है, 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा आपको, 27 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 729, 729 बटा कितना हो जाएगा हमारे पास 625 -1। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, स्क्वायर को ओपन कर लेना है आपको, करीबन 30 तक के वर्ग या स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है, चलिए, तो यहां पर कितना हुआ हमारे पास, 832 बराबर पी। ठीक है, यहां एलसीएम ले लेते हैं, 625 और 729 -625। ठीक है, 832 बराबर पी, यहां कितना होगा, 729 -5 625, 9 में 5 गया 4, 2 का 2 0 और आपको मिल जाएगा 104 अपॉन 625। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पी का वैल्यू, पी का वैल्यू आपको मिलेगा 832 इंटू 625 बटा 104, 104 जो है इसे 8 बार में कैंसिल कर देगा तो आपको मिल जाएगा पी का एक्चुअल मान या मूलधन, मूलधन आपको मिल जाएगा, प्रिंसिपल आपकी वैल्यू मिल जाएगी, तो मूलधन का मान मिलेगा आपको 8 5 40, 4 8 2 16, 4 20, 2 इतना हो जाएगा 5000 रुपए, 5000 रुपए क्या मिल जाएगा आपको, मूलधन मिल जाएगा। इतना चीज क्लियर है भाई, ठीक है, चलिए अब आपके पास अगले लाइन में जो क्वेश्चन दिया गया उसे देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए अगला क्या पूछा है यहां पर, इस लाइन में देखिए, उसी धन का यानी प्रिंसिपल मूलधन का उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको पूछा है, तो एसआई आपको निकालना है, तो एसआई बराबर हमारे पास क्या है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, बस आपको वैल्यू रख लेनी है। मूलधन कितना है हमारे पास, 5000 है, वही रेट लेना है, मतलब वही रेट मतलब दर कितना लेना है आपको, 8% का दर ले लेना है, वही टाइम लेना है, सेम टाइम मतलब आपको यहां पर 2 साल का टाइम लेना है, बराबर क्या कर देना है, 100 कर देना है, क्लियर है, यहां पर बस इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 8 2 16 5 80 और 800 रुपए, ये आ गया आपका साधारण ब्याज आ गया, क्लियर है कि यहां तक चीजें, तो आपको साधारण ब्याज पूछा हुआ था, चक्रवृद्धि ब्याज के थ्रू हमने क्या निकाला, प्री या प्रिंसिपल या मूलधन निकाला, और मूलधन के आधार पर फिर हमने क्या किया, साधारण ब्याज की वैल्यू निकाल दी, क्लियर है। तो मैंने आपको बताया ही है कि जब भी आप साधारण ब्याज पढ़ें तो चक्रवृद्धि ब्याज को अलग से ना पढ़ें, दोनों फॉर्मूलों को एक साथ रखें और दोनों को माइंड में सेट करें। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई होंगी आपको, समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, आज के क्लास का, आज के सेशन का एक आखिरी क्वेश्चन हम देखने वाले, तो देखिए, राम ने साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष पूर्व 16% के हिसाब से ऋण लिया और 9600 रुपए उसने ब्याज दिया, तो बताइए राम ने कितना रुपए ऋण दिया। डन, अब यहां पर आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, मैं आपको हमेशा जो बच्चों वाली जो आदत है ना उस आदत को थोड़ा डालिए, बच्चों वाली आदत मतलब गिवन डेटा, गिवन डेटा अगर आपको पता है तो आपको फाइंड क्या करना है, ज्ञात क्या करना है वो समझ में आ जाता है। जैसे कि आपको दिया हुआ है क्या, टाइम दिया हुआ है, टाइम बोलेंगे तो सर बोलेंगे यहां पर 5 साल, यहां पर हमारे पास क्या है, टाइम है, टाइम हमारे पास 5 साल है। इसके अलावा हम रेट देखें तो रेट हमारे पास कितना है, 16% का रेट है। इसके अलावा हम देखें तो जिसका ब्याज 9600 रुपए अदा किया,
ये मतलब यहां पर सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया कितना आपको 9600 रुपए ब्याज अदा किया, तो यहां पर ब्याज 9600 रुपए दे दिया। तो आप बताइए कौन सी चीज अननोन लग रही है, तो आप बोलेंगे सर यहां पर मूलधन नहीं है तो हमको मूलधन निकालना पड़ेगा, तो यहां पर मूलधन निकाल लेते हैं। तो हमें ब्याज की वैल्यू पता है, क्या पता है हमें, साधारण ब्याज बराबर टी इंटू आर इंटू टी बाई 100, बस फॉर्मूले में जो जो चीज पता है उसे रख लेते हैं। एसआई की वैल्यू पता है हमें 9600 रुपए, इसके अलावा हमें प्रिंसिपल निकालना है, आर की वैल्यू हमें पता है 16, इसके अलावा 5 वर्ष दिया हुआ है, बटा 100 कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से हम पी का मान निकाल लेते हैं, तो कितना होगा 9600 × 100/16 × 5, क्लियर। 16 से इसको काट लेते हैं, 16 6 बार में कैंसिल, और 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, कितने बार में 5 120, ठीक है। तो पी का मान आपके पास आ जाएगा 12000 रुपए, 12000 रुपए। ये हो गया ऋण ली गई राशि, क्लियर है। तो ये थे आपके साधारण ब्याज के कुछ प्रीवियस ईयर आए हुए प्रश्न। आप मानकर चलिए कि आप जितने भी 5, 10, 12 क्वेश्चन जो हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, यहां से एक नए क्वेश्चन आपको मान लीजिए एग्जाम में आना ही आना है, इसी पैटर्न पर, इसी नंबर पर, बस आपके नंबर यानी बोलना चाहिए आपके डेटा में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है, बट कॉन्सेप्ट जो है आपका ऐसा ही रहेगा। इवन ये भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चन डिप्टो रिपीट भी हुए हैं व्यापम में विशेष रूप से, तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे क्वेश्चन आपके आ ही जाए। तो हमने कहा ही है कि भाई आपकी तैयारी भी यही होगी और सिलेक्शन भी आपको यहीं से दिलवाया जाएगा, ठीक है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपको सिलेक्शन दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपके साथ हमेशा जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट सेक्शन पूछे, आपको जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए क्लास के साथ, जिसमें हम नए टॉपिक को देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज को। धन्यवाद।